पंचायत में आदमखोर भेड़िए की दहशत बरकरार है कल जब पांचवा भेड़िया पकड़ा गया तो लगा कि लोग अब राहत की सांस लेंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है देर रात एक बार फिर से छठे भेड़िये ने आतंक फैला दिया नमस्कार मैं हूं रीनू यादव और आप देख रहे हैं न्यूज एटीन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज जो टॉपिक है वो है भेड़िया लगातार मार्च से भेड़ियों की आमद बनी हुई है लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से भेड़ियों ने आतंक मचा कर रखा हुआ है इलाके में हम देख पा रहे हैं कि लोग रात में जगराता करने के लिए मजबूर हैं देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर भेड़िया दस्तक दिया और यहाँ पर एक दस साल की बच्ची को उठाकर वो उसकी माँ के बगल से ले जा रहा था तभी बच्ची ने शोर किया शोर मचाया और गेट के बाहर भेड़िया उसको छोड़कर वहां से भाग गया आप यहां से भेड़िए की ताकत समझ सकते हैं कि अगर 10 साल की बच्ची को वो उठाकर लेकर जा सकता है तो कितना ताकतवर ये भेड़िया है जो पांचवा भेड़िया पकड़ा गया था कहा जा रहा है कि ये भी बहुत खूंखार और बहुत ताकतवर था और आगे जितने और भी भेड़िए हैं वो भी बहुत ही बलशाली बताए जा रहे हैं ये एक बहुत गंभीर मसला बन चुका है दरअसल अब इसको लेकर राजनीति भी थोड़ी बहुत होने लगी है क्योंकि ना सिर्फ भेड़िया बल्कि आसपास के इलाकों में सियार भी अब आमद बनी हुई है और सियारों की भी दहशत अब इलाके में है वाराणसी की बात करेंगे जहां वाराणसी में भी भेड़ियों का हमला हुआ है यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहराइच में तो माना ही जा रहा था कि भेड़ियों की दस्तक है भेड़ियों का झुंड है लेकिन वाराणसी में अगर भेड़ियों के हमले हो रहे हैं तो यह आप समझ पाना बहुत मुश्किल है वन विभाग की टीम के लिए राजस्व की टीम के लिए पुलिस प्रशासन के लिए कि आखिरकार कितने भेड़िए हैं जो इलाके में दहशत बनाए हुए हैं फिलहाल महसी के आसपास के क्षेत्र में मैकपुरवा गांव में यहां पर किस तरीके से लोग खुद हथियार बनाकर भेड़ियों की खोजबीन कर रहे हैं पहले वो आप देखिए और सुनिए जिसे आदमखोर भेड़िए ने भी हमला करके घायल किया है मैको कुरुआ का यह मामला है और देखिए इस बच्ची के गले पे आदमखोर भेड़िए ने हमला किया है और ये बच्ची जो है अब इस वक्त मैसी तहसील के इलाके के सी लाई गई है जहां इसका इलाज चलेगा मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आगे जाए और उसको दिखलाए बच्ची को कि यही वो बच्ची है जो घायल हुई है और माना जा रहा था कि जो एक भेड़िया बच्चा है वो आक्रामक होगा और उसने वही किया हमला कर दिया उसने इस मासूम बच्ची पर इसकी जान बच गई है ये बड़ी अच्छी बात है राहत की बात है कि इस बच्ची की जान नहीं गई है और देखिए किस तरीके से ये इसका गले में मैं कहूँगा गले का बात है इसका जो है कि कितना घायल है इसका गला का हुआ है आपकी बिटिया के साथ भैया हमारा तो हुआ आपके साथ अच्छा कितना बड़ा रहा है

और कील फा हथियार बनाते हैं ताकि अगर भेड़ी के ऊपर हमला करें तो उनको ज़ख्मी किया जा सके और उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके फिलहाल अभी दस साल की जो बच्ची है वो जख्मी हुई है गले पर चोट के उसके निशान आए हुए हैं हालांकि जान खतरे से बाहर है लेकिन ये माना जा रहा है कि जो और भी भेड़िए इलाके में मौजूद हैं उससे जान माल का नुकसान हो सकता है क्योंकि इलाके में जिस तरीके से दस बच्चों पर इसने हमला किया महिलाओं पर भी हमला किया है उसके बाद से अब लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी अब लोग थक चुके हैं दरअसल लोग वाकई में बहुत ज्यादा थक चुके हैं क्योंकि कब तक कब तक तक वो वो निगरानी करेंगे करेंगे खेतों में पा रहे हैं। काम नहीं जा पा और ये भी सीधे बच्चों पर ही अटैक कर रहे हैं और इसलिए बड़ी चिंता का विषय बन चुका है कि आखिरकार कितने भेड़िए अब यही जान पाना मुश्किल है इनकी संख्या कितनी हो सकती है कितने इलाके में घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश के किस किस क्षेत्र किस -किस कि लोगों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके लेकिन फिर भी अभी भेड़ियों से छुटकारा पा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है देखना यही है कि कब तक इन भेड़ियों की दहशत इलाके से खत्म होती है और कब तक लोग राहत की सांस लेते हैं फिलहाल तब खबरों के लिए आप बने रहिए नेटवर्क की टीम के साथ नमस्कार